मुझे लगता था कि अगर कोई कुछ सही काम कर रहा है ना, तो चाहे बिना सोचे समझे भी कर रहा है तो चलेगा। पर सड़क पे लोगों से बात करने के बाद मुझे अपनी सोच में कमियां नजर आने लगी। आज धरती को जब दर्द होता है तो लावा निकलता है ना नीचे से। अब जिस मुद्दे पे हमने उनसे बात की, हो सकता है आप उससे इत्तेफाक ना रखते हो, पर वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि जिस बारे में बात करना चाह रहा हूँ वो इस मुद्दे से कहीं बड़ी है। आपके वेजिटेरियन होने का क्या कारण है? हम शुरू से वेजिटेरियन हैं, और हमारे देवी देवता मना करते हैं ना। पंडित है ना, हम लोग ब्राह्मण है, ब्राह्मण भोग। ये शुरू से पेरेंट्स नहीं खाते रहे हैं, इसलिए नहीं खाते। आपने कभी ये नहीं सोचा कि वो क्यों नहीं खाते? नहीं, कभी नहीं सोचा। जिन्होंने शुरू से नहीं खाया वो खाते नहीं है, जिन्होंने खाया वो खाते हैं। ये तो सोचा नहीं। ठीक है, अपना अपना क्राइटेरिया है। क्यों वेजिटेरियन? पर लाइक एनिमल्स को दर्द होता है या ऐसा कुछ भी नहीं, हमने सोचा भी नहीं। तो देखिए, सोचा नहीं तो सोचना चाहिए ना। अगर हमारे धर्म में, परिवार में, संस्कृति में मांस खाने के लिए मना किया गया है, वो इसलिए क्योंकि अहिंसा को प्राथमिकता दी गई है। अगर हम इस उद्देश्य को समझेंगे नहीं और बस एक नियम फॉलो करते रहेंगे, तो हम इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे? हम किसी को बताते नहीं है कि हमें प्रॉब्लम, खाओ तुम्हारी मर्जी, जिसको जैसा है। इंडिया है, किसी को रोक नहीं सकते। आज भारत में 30% लोग शाकाहारी हैं, तो देखिए 30% जानवर कम कट रहे हैं ना। तो अगर हम चाहते हैं कि ये 30%, 40%, 50% जानवर कम कटें, तो हमें इस अहिंसा के उद्देश्य को समझना पड़ेगा, और तो ही हम इसको आगे बढ़ा पाएंगे। तो मुझे अच्छा लगा कि कई लोग इस बात को समझते भी हैं। क्योंकि मुझे जानवर को मारना अच्छा नहीं लगता। Because I don't like violence. पशु प्रेमी हूँ मैं। पहले नॉनवेज था, फिर मैं वेजिटेरियन हो गया। एक साल पहले हुआ कुछ भी नहीं था, I just went to this butchering house, और वहाँ पे मैंने कटते हुए देखा सब कुछ। I was like, shit, this is not right. This is not how it should be. ऐसा होना नहीं चाहिए, right? क्यों किसी जानवर को मार के खाना है? मुझे जो समझ नहीं आता ना, वो ये कि जैसे जो लोग हैं जानवरों के प्रति संवेदनशील है, जैसे आप हैं, नॉन वेज नहीं खाते, पर आप जैसे डेयरी तो आप कंज्यूम करते हैं क्या, जैसे दूध? हाँ, दूध पीते हैं। अब दूध के चक्कर में क्या है, जब गाय बूढ़ी हो जाती है वो सड़क पे, भैंस आपको सड़क पे एक नहीं दिखेगी, भैंसें सारी काट देते हैं, तो फिर दूध के लिए भी तो क्रूरता हो रही है। क्रूरता तो बहुत ज़्यादा हो गई है, ये कलयुग है भाई। ऐसे तो कुछ भी नहीं खा सकते फिर, अगर आप दर्द की बात हो इस पे चल रहे, धरती माँ को दर्द नहीं हो रहा है? नहीं, पत्थर और गाय में फर्क है। सी क्यों? ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो इसको भगवान मानता है, तो मैं भी कह सकता हूँ यार, धरती मेरी माँ है। आज धरती को जब दर्द होता है तो लावा निकलता है ना नीचे से। जब हम दूध लेते हैं तब तो नहीं जान निकलती है ना, ये थोड़ी कि अगर हमने दूध लेना तो हम पहले उसको मारेंगे फिर दूध निकालेंगे। नहीं, पहले नहीं, बाद में मारते हैं। तो पहले तो 10 साल तक टॉर्चर करते हैं वो उसको। देखो, ये तो ह्यूमन नेचर है, वो तो मतलब बीएन के सेल्फिश है बाय नेचर जो ह्यूमन है, एवरीबॉडी, सिर्फ मैं ही नहीं, सभी। मेरे दूध वाले अंकल आते हैं, मेरे घर के पास रहते हैं, वहीं से गाय से दूध निकालते हैं। कितने साल से आते हैं? बचपन से। कितने, 20-25 साल हो गए? मैं 27 ईयर्स का हूं। तो उनके पास 27 हैं बच्चे? 27 तो नहीं। कहाँ गए सारे? दूध कोई मांसाहार का रूप थोड़ी ना, पर दूध की वजह से मांसाहार हो रहा है। रीज़न मुझे मालूम है क्यों मिल्क नहीं पीना चाहिए, बट फिर उसका ऑल्टरनेटिव अभी कुछ डिफाइंड मिल नहीं रहा। दूध एक कंप्लीट मील है, राइट? या जैसे बछड़ा पैदा होता है उसको पूरी मील चाहिए ना। हाँ। तो अगर आपको पूरी मील मिल रही है, दाल रोटी सब्जी सलाद, फिर आपको एक और कंप्लीट मील की क्यों आवश्यकता है? कुछ चीज़ें तुम्हारे ना कल्चर में होती हैं, ठीक है। दूध हमारे कल्चर का हिस्सा इसलिए था क्योंकि तब गाय के साथ क्रूरता होती नहीं थी। गाय के साथ क्रूरता तो अब होना शुरू हुई ना, जब दूध इतना इंडस्ट्रियलाइज हो गया, कमर्शियलाइज हो गया। ये कलयुग है भाई। तो अब जिन लोगों ने शाकाहार के नियम बनाए वो तो चले गए, पर अगर हम जानवरों के बारे में परवाह करते हैं, हम अहिंसा के बारे में परवाह करते हैं, तो हमें भी शाकाहार के साथ साथ अपनी दूध की कंजम्पशन के बारे में सोचना चाहिए। तो आपको ये लगता है फिर वही सिद्धांत जिसकी वजह से आप मीट नहीं खा रहे, वही सिद्धांत डेयरी पे भी अप्लाई करता है? कुछ हद तक होता है। गौशाला में आपको भैंस दिखी कभी? नहीं। सड़क पे आपको भैंस दिखी कभी आवारा? नहीं। कहाँ गई? यहाँ ये तो बात है कि ये चीज़ गलत हो रही है। ऑनेस्टली मैंने इस बार भी नहीं सोचा, एंड जो आपने मुझे बताया मुझे आधी चीज़ें पता भी नहीं थी। लोगों को क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट है, दूध चाहिए तो पीते हैं, मगर उसके पीछे की कहानी नहीं पता है ना। जैसे आपने अभी मुझे बताया, ये हम जानते नहीं, अगर जाने तो हम लोग वैसा नहीं करेंगे। जो आपका लॉजिक है मैं उसी से चल रहा हूँ कि अगर बकरे बचाने हैं तो बकरे मत खाइए। हाँ,
तो अगर गाय को बचाना है तो दूध मत पीजिए। तो ये बात आपकी मैं मानता हूँ, दूध को कम किया जा सकता है लेकिन बंद पूरी तरह से नहीं कर सकते। कम तो हो, 100 से 90 पे तो आए, 10 गाय तो बचे। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। तो देखिए, बात सिर्फ डेयरी या नॉनवेज की नहीं है, बात यह है कि चाहे हम कुछ कर रहे हों चाहे हम कुछ ना कर रहे हों, जब तक हम उसके कारण के बारे में नहीं सोचते तो हो सकता है हम कुछ अच्छा करने का मौका खो रहे हों, या हो सकता है हम कुछ अनजाने में ऐसा कर जाएं जिसके साथ बाद में हमें जीने में दिक्कत हो। अब 17 साल तक मैं नॉनवेज खाता रहा, 28 साल तक मैं डेयरी कंज्यूम करता रहा, और आज मैं चाहे जितने मर्जी जानवर बचा लूं, ये गिल्ट हमेशा मेरे साथ रहेगा। और मुझे भी लगता है कि काश किसी ने समय रहते मुझे कहा होता कि पॉज एंड थिंक।